नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। सारा अली खान ने केदारनाथ फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसमें उनकी एक्टिंग की हर किसी ने तारीफ की थी। वहीं उनकी दूसरी फिल्म सिम्बा ने भी बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़े थे। खैर, अब एक इंटरव्यू में सारा अली खान ने बड़ा खुलासा किया है और ये खुलासा सारा ने अपनी शादी के बारे में किया है। जी हाँ, इंटरव्यू में सारा ने अपनी शादी के बाद का प्लान बताया है। हाल ही में सारा ने बाजार इंडिया मैगजीन को इंटरव्यू दिया था। बाजार इंडिया ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से सारा की तस्वीरें जारी की है। इस कैप्शन में इंटरव्यू के दौरान सारा की बातों को कोट करते हुए लिखा गया है। सारा से शादी के बाद का प्लान इंटरव्यू के दौरान पूछा गया था तो सारा ने बेबाकी से जवाब दिया। सारा ने कहा कि मेरी माँ के साथ पूरी लाइफ रहने का इरादा है। मैं उनसे जब ये बात कहती हूँ तो वो परेशान हो जाती है क्योंकि उनके पास मेरी शादी की पूरी प्लानिंग है। वो मेरे साथ भी आ सकती है। नहीं, इसमें क्या समस्या है, मैं उनके साथ बाहर घूमना पसंद करती हूँ। जब मुझसे थोड़े दिन के लिए भी दूर हो जाती है तो मुझे उनकी काफी ज्यादा याद आती है। जाहिर सी बात है, सारा अली खान का शादी को लेकर बड़ा प्लान है। भले ही शादी के बाद सारा सेटल हो जाए लेकिन वो अपनी माँ को नहीं छोड़ना चाहती। दरअसल सारा अली खान अपने पापा से ज्यादा अपनी माँ अमृता सिंह के काफी ज्यादा करीब है। अमृता सिंह ने सारा की परवरिश की है और उन्हें अच्छे संस्कार दिए हैं। ये बात सारा कई बार मीडिया के सामने कह चुकी है। वैसे बात अगर सारा अली खान की फिल्मों की करें तो फिलहाल सारा अली खान लव आजकल 2 के सीक्वल की शूटिंग में बिजी है। सारा और कार्तिक के इश्क के चर्चे इन दिनों बॉलीवुड के गलियारों में छाए हुए हैं। दोनों पब्लिक के सामने तो कम नजर आते हैं लेकिन चुपके चुपके कई बार दोनों को मिलते हुए देखा गया है। एक बार फिर दोनों को ईद के मौके पर देखा गया लेकिन इस दौरान सारा और कार्तिक ने अपना चेहरा छुपाया था। जी हाँ, ईद के मौके पर सारा और कार्तिक मुंह छिपा कर मस्जिद पहुंचे थे। बहरहाल देखना ये होगा कि सारा के शादी के बाद के प्लान पर सैफ अली खान और अमृता सिंह क्या रिएक्शन देते हैं। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।